हेलो जी, सत श्री अकाल। किदा हो? आई होप तुसी वधिया होगे ते वाहिगुरु करे खुश हो। ते इधर बना रही हूँ मैं नाश्ता, ते आ बन गए साडे फुलके। नाश्ते विच ना मैं ज़्यादातर फुलके ही बनाती हाँ। ते इधर दुध रखिया, मैं कहा दुध नूं उबाला आज भी नाल दी नाल ही धर लैनी हुंनी आ तां कि उबल ना जावे। ते इधर थोड़ी जी सब्जी पई है मेरे कोल पनीर दी, बाकी सारे मैं नाश्ता नुश्ता करवा चुकी हाँ। ते मैं अपने लिए बना रही हूँ फुलके, ते फुलके बन जाण। मैं क्या, चलो करेले पए हुए हैं, थोड़ा दही पिया हो या, ते इधर काढ़ लिया आपा मक्खन। लस्सी बनाई हुई सी ते मक्खन निकाल के हूँ थोड़ा गर्म करन दी सोच रही हूँ, आराम नाल गर्म करांगी। ते गाइस तुसी दसो किद्दां हो? ते रोज़ की तरह डेली रूटीन की तरह ही मैं तुहानू वीडियो दिखानी हाँ, ते डेली दे व्लॉग जो मैं करदी हाँ ते ओह दिखानी हाँ। घर का मक्खन हुंदा साडा ते तुहानू पता ही है, डेली थोड़ी बहुत लस्सी होवे, हुण गर्मियां चल गईयां ते लस्सी की बहुत जरूरत हुंदी है। तो इस दे बिना मेरे को तो देखो रोटी खाई नहीं जाती हैगी लस्सी बिना। तो मैनू बहुत शौक है, ये बन गया हुण साडा मक्खन, दुध नू आ गया मेरे बाला। तो इधर मेरे को ना करेले पए हैं, मैं थोड़ी जी करेलिया दे नाल नाश्ता करूँगी, तो मैं थोड़े जे तवे ते ही गर्म कर ले हैं, और थोड़े जी पनीर की सब्जी लूँगी, करेले ते नाश्ता हो गया मेरा तैयार। तो गाइस जिन्हें खाना है आ जाओ खा लो। तो अज मैं सोच रही हूँ कि टमाटर प्याजा की चटनी बना लूँगी, तो पहले बहुत सारा काम होंगे है, और सब्जी ली है वैसे तो मैं घिया तो शिमला मिर्च ली है, तो ये भरमे बनाऊँगी। भरमे बनाऊँगी तो मैं थोड़े नाल वीडियो जरूर शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बनती है भर के। तो आ देखो गाइस, कई बार आप लेट हो जाने तो आप सब्जी कई बार नहीं कुछ सूझता, तो वो थोड़ा मैं टमाटर प्याज की चटनी बना दसदी हाँ। तो आ देखो आ मैं लै लेने टमाटर, चार पाँच टमाटर लै लो, चार पाँच ही प्याज तो हरिया मिर्चा, ठीक है। तो इन्हों आप बरीक बरीक कट लेना, तो प्याज मैं तुम दस दी हाँ, ये टमाटर इस तरह आप कट लेने, मैं ये कट लें और ये सारे प्याज आप इदा करके कट लेने। बहुत सौखे तरीके बनती, तो बड़ी टेस्टी भी बनती है। तो एमरजेंसी के साढ़े कई बार होंगे सानू कुछ नहीं सूझता है ना, दाल सब्जियां तो मन भर जाता, तो तुसी भी बना के देखना मेरे तरीके नाल टमाटर प्याजा की चटनी, बिल्कुल सिंपल तो ईजी रेसिपी है, तो बने रहो तुसी। और आ देखो टमाटर प्याज तो हरिया मिर्चा आप कट लिया, तो हूँ आप गैस बाल लिया, कढ़ाई धर ली, तो आप पावे तेल, तेल अपने टेस्ट अनुसार जो तुम पाना पा सकते हो, ठीक है। तेन तेल सड़न तक आपका थोड़ा टाइम लगेगा, तो बहुत सौखा तरीका दसूँगी थानू मैं, तो फटाफट चटनी सिर्फ 5 मिनटा के तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई औखा नहीं लगता। और आ देखो तेल हो गया गर्म, तो उस तो बाद आप पा देने दे कटे हुए प्याज, पहले आप प्याजा थोड़ा फ्राई कर लेना, ठीक है, थोड़े जो ब्राउन हो जाए, तो उस तो बाद फिर आप पावे टमाटर। और आ देखो ब्राउन हो गए ना थोड़े जे प्याज, तो उसके आप पा देना नमक मिर्च हल्दी, तो नमक अपने टेस्ट अनुसार तुम पा सकते हो, इन्हें नमक वगैरह ना घट ही पायो, क्योंकि आ देखो लाल मिर्च थोड़ी जी पाई क्योंकि मैं हल्दी भी कट्टी हुई है, तो पा लेनी है हल्दी, ये पहला ता पानी है कि अपने ना भुज जाएगी, तो थोड़ी जी पा दो बिच देगी मिर्च, और बिच पा दो पीसिया गर्म मसाला, तो बिच पा देंगे आप हरिया मिर्चा कटिया हुई, इन अच्छी तरह हल्दी में सारा कुछ भुन लेना ताकि कच्चे की महक ना आए, ठीक है। और आ देखो ये मसाला भुजन तो बाद फिर आप पा देने ने कटे हुए टमाटर, तो वैसे तो यह पानी टमाटर पानी पाने की लोड़ नहीं है, जेकर तो लगता है ना कि थोड़ा नीचे लगता है तो हल्का जहा पानी का छिटा दे के, ठीक है, तो तुम थोड़ा जहा उपर रख देना, नीन उपरों की ढक देना इन हल्का जहा पानी करके, ताकि जो टमाटर है ना साढ़े अच्छी तरह गल जाए, तो थोड़ी देर बाद फिर इन्हों देखो तुम बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे, तो बिल्कुल झटपट बन जाती है टमाटर की चटनी, बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं, तुम जरूर बनाना, तो देर भी नहीं लगती। कई बार होंगे साढ़े को दाल सब्जी थोड़ी होंगी, तो आप दूसरी सब्जी कही देना नाल बन जाए, तो चटनी बहुत टेस्टी बनती है।
आ देखो फ्रिजर लग गई ना, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन ने टमाटर साढ़े गल के एन तैयार हो जाएंगे। अरे आ देखो एकदम बन के होगी ना चटनी तैयार। अरे देखो ये कितनी बढ़िया लग रही होनी थानू भी, बिल्कुल 5 मिनटां दे विच बन जाती है चटनी जेकर आप सौखे तरीके नाल बनानी होवे, है ना। तो बहुत सौखा तरीका है ते गाइस तुसी भी बनाना तो मैनू जरूर दसना। तो इनू आप परौंठी नाल भी खा सकते हैं, फुलकियां नाल भी खा सकते हैं, तो यकीन मनियो चावलों नाल खा के देखियो बहुत टेस्टी लगती है। मैं जड़े बनाओगे तो कमेंट में जरूर दस्यो कि लगी है वाली मेरी रेसिपी। तो घर के छोटे छोटे कामों तो कई बार आप फ्री नहीं हो पाते, है ना, या लेट हो जाने कितने जाते हैं, तो सेम इदा की चटनी बना के देखियो और मैं जरूर दस्यो। तो मैं तो इनू चावलों के नाल ही सर्व करूँगी, मैं चावल धर देते हैं, मैं तो चावलों नाल खाने मैं शौक है, तो तुहानू जरूर दिखावांगी मैं, बहुत टेस्टी लगती है बनाना तुसीं भी तो दसना गाइस। थैंक यू। और आ देखो आ चटनी दे नाल मैं खाऊंगी चावल फुलका, तो आ मेरी रोटी होगी तैयार। आ जाओ जिन्हें जिन्हें खानी है खा लो। थैंक यू सो मच इन्ना मैनू प्यार देने मेरे चैनल नू। बाय 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 बाय। खा लो जिन्हें जिन्हें खानी आके चटनी नाल चावल, तो तुसीं बनाना तो मैनू कमेंट में जरूर दसना तो किदां दे लगे अज दा मेरा ब्लॉग। बाय। ये की हो रहा हरजस होना पोचा वज रहा, मेरा रुमाल चुक लिया है तो कहता आए हाए सर्फ का पोचा लिया रहा कि तू प्रीत प्रीत देखी सर्फ चो भिगो के लिया रहा है। हरजस स्लिप होएगा और स्लिप बेटी इन्नी जबरदस्त होएगा ना, बस वज गया पोचा तो आपे मार लेगी बलजिंदर आंटी आके। सुन नहीं रही नोने कहिंदा मैं आपे मारूंगी दस। चल वज गया बहुत सोहना सुक जाएगा हुण पोचा, हट जाओ आ देख लो हरजस दे साडे दे काम ये पोचा मार रहा। होर की काम आंदा हरजस नूं पोचा आंदा होर। चल बस आए हाए बाबा जी सरफ ही सरफ ले आई जा रहे है। चल आ जा पापा बुला रहे देख तेरे आ जा।